हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर फोर्थ का मेजर टॉपिक करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव और कैसे ये वर्क करते हैं और कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर दोज एजेंट या मेथड्स व्हिच यूज टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं उन सबको हम कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं, जिसको बेसिकली मेजर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टेम्पररी मेथड एंड परमानेंट मेथड। टेम्पररी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे सपोज कोई कपल टू बेबी प्लान करना चाहता है और दोनों के बीच में स्पेस रखना चाहता है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहता है दो बेबी के बीच में, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड्स वो ऑप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेथड्स। लेकिन जो कपल ऑलरेडी जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, फर्दर वो और प्रोजेनी नहीं चाहते, तो वो फर्दर कंसेप्शन को कम्प्लीटली क्या कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, दैट मेथड इज सेड टू बी परमानेंट और टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मैं आपको बात बता दूं कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, ऐसा क्या वर्क करते हैं ये बॉडी के अंदर जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हो। तो इट इज़ बेस्ड ओवर प्रिंसिपल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इट इज़ बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल। क्या क्या काम, किस किस मोटिव पे ये काम करते हैं। सबसे पहला, इट प्रिवेंट समटाइम इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, कि यदि फीमेल में ओवा प्रोड्यूस ही ना हो तो उसके अंदर कंसेप्शन नहीं होगी। सेकेंड, प्रिवेंट इंसेमिनेशन, कि यदि सीमेन डिपॉजिट ही ना हो फीमेल जेनिटिलिया में, जब सीमेन ही नहीं पहुंचा तो अगेन देर इज नो चांस ऑफ कंसेप्शन। थर्ड, डिक्रीज स्पर्म मोबिलिटी, पढ़ेंगे हम स्पर्म की मोबिलिटी होती है 2 mm/s, मैंने आपको बताया था, और स्पर्म की वाइब्रिटी होती है 48 to 72 hours। यदि वो 48 hours तक ओवम के पास पहुंचता है तो ही उसके अंदर वाइब्रिटी रहती है, और यदि स्पर्म की मोबिलिटी को, मूवमेंट की रेट को ही रिड्यूस कर दिया तो क्या वो ओवम के पास पहुंच पाएगा, तो नहीं पहुंच पाएगा, तो देर इज नो कंसेप्शन। थर्ड, कि स्पर्म ओवा बन तो रहे हैं लेकिन उसके पाथवे को ही ब्लॉक कर दिया, जैसे आपने ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी में पढ़ा है कि यदि फिलोपियन ट्यूब को ही कट एंड टाई कर दिया जाए तो ओवा ओवरी बना तो रही है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन साइट तक नहीं पहुंच पा रहा। तो प्रिवेंशन ऑफ रीच ऑफ ओवा टू फर्टिलाइजेशन साइट, कुछ ऐसा किया जाए कि उसको फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचने ही ना दिया जाए। और यदि मेल के अंदर वैसेक्टोमी करा दिया जाए तो सीमेन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं आ पा रहे, निल स्पर्म इन सीमेन ड्यू टू वैसेक्टोमी। और क्या क्या मेथड्स हैं, मैंने बताया था वजाइना का पीएच एसिडिक होता है और यदि उसको और एसिडिक बना दिया जाए तो इट क्रिएट वेरी हॉस्टाइल कंडीशन, वेरी अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्पर्म। तो यदि स्पर्म जेनेटिलिया में पहुंचेंगे तो उनकी किलिंग हो जाएगी। तो थर्ड, इंक्रीज एसिडिटी इन वजाइना और क्रिएट हॉस्टाइल कंडीशन, हॉस्टाइल का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन इन सर्विक्स एंड इन वजाइना फॉर स्पर्म। यदि बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशन होगी तो स्पर्म की किलिंग हो जाएगी। थर्ड, अल्टरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, कि यदि यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ही ऑल्टर कर दिया जाए तो यदि स्पर्म ओवा फ्यूज करके यदि जायगोट बना भी रहे हैं तो उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो समटाइम यूट्रस के अंदर ही इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर दी जाती है कि देर इज नो इम्प्लांटेशन। तो देर आर वेरियस मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो इन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब आती है बात कि देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड व्हाट आर द आइडियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि क्या आइडियल फीचर होने चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो नेक्स्ट कम ओवर आइडियल फीचर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। सबसे पहला, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव है
उसका आइडियल फीचर के लिए हम बात करें तो इट इज यूजर फ्रेंडली, कि जो उसको यूज कर रहा है उसकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट कॉज ना करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो है यूजर फ्रेंडली, कि जो कपल उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज कर रहे हैं उनके अंदर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना कॉज करे, कोई कॉम्प्लिकेशन कॉज ना करे। सेकेंड, चीपर, सस्ते होने चाहिए, रिवर्सिबल, बार बार उनको यूज किया जा सके, ग्रेट एफिकेसी रेट। व्हाट यू मीन बाय एफिकेसी रेट हियर, ध्यान से सुने इस चीज को, कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो 100% प्रेगनेंसी को भी रोकते हैं, समटाइम 40-50% रोकते हैं, तो जो इंश्योर करते हैं कि कंसेप्शन हो ही ना, उन कॉन्ट्रासेप्टिव को सबसे बेस्ट माना गया है। मतलब जो कंसेप्शन को पूरी तरह से बंद कर दें, रोक दें, प्रिवेंट करा दें, तो उसकी एफिकेसी रेट उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो 100% एफिकेसी रेट की बात करें तो यहाँ पे किसकी ही है, टर्मिनल मेथड की, परमानेंट मेथड की। और क्या आइडियल फीचर आपको नजर आते हैं, मस्ट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की प्रिवेंशन को भी जो रोकते हैं उनको अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव माना गया। और इस कैटेगरी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये दो क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट का ओवर आवर टॉपिक, कि टू टाइप में हमने मेजर डिवाइड किया है कॉन्ट्रासेप्टिव को, जिसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला नेचुरल मेथड, विच कम अंडर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, NFP प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आता है, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों इससे। तो नेचुरल मेथड, जिसमें आपको क्लियर हो रहा है कि बाहर से कोई डिवाइसेस यूज नहीं हो रही, बाय कैलकुलेटिंग द फर्टाइल पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में या कोइटस के बारे में जान के हम कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अंदर हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। सेकेंड कम ओवर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। बैरियर का मतलब क्या होता है, जो रोक दे, किसकी वेटिंग को रोक दे, स्पर्म एंड ओवा की। तो इसके अंदर हम रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे कॉन्डोम, फेमिडोम के बारे में, IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिसको कहाँ इम्प्लांट कर दिया, इंट्रा का मतलब विद इन, यूटेराइन का मतलब यूट्रस में, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है डिवाइसेस को, और ये कैसे वर्क करते हैं इनको भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। दे ब्रॉडली डिविजिबल इनटू 2 कैटेगरी, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड IUD। बहुत सबसे फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्या मेरिट और डीमेरिट है IUD के, और सबसे ज़्यादा यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडियन फीमेल जो सबसे मैक्सिमम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं टू प्रिवेंट कंसेप्शन बिलोंग टू IUD। नेक्स्ट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत प्रिवेलेंट है, लेकिन इसके अंदर हम 2 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरली इंटेक किया जाता है, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें मेनली हॉर्मोन्स होते हैं, और फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं क्योंकि ये फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। जनरली दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल। इसको मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा, कंबाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स। कंबाइंड का मतलब क्या होता है, 2, मोर देन 1, मोर देन 2, जिसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स की कॉम्बिनेशन हो, दैट्स व्हाट इज सेड टू बी कंबाइंड पिल्स। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट अपीयर होते हैं, तो आजकल कॉमनली ट्रेंड में कौन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन प्लांट्स, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है लेकिन फीमेल फिर भी इसको ऑफर नहीं करती, सर्टेन इंजेक्शंस एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल इमरजेंसी, कि यदि इनमें से कोई भी फेलियर हो और रिस्क फैक्टर बढ़ता है कंसेप्शन का, तो उस केस में मॉर्निंग आफ्टर पिल्स सजेस्ट की जाती है, इमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमानेंट और टर्मिनल मेथड, जिसमें 100% कंसेप्शन को हम प्रिवेंट कर देते हैं। इन मेल वैसेक्टॉमी इज डन, इन मेल वैसेक्टॉमी एंड इन फीमेल ट्यूबेक्टॉमी। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम ओवर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें आर्टिफिशियली किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज नहीं किया जाता, एंड इट कम अंडर NFP प्रोग्राम, नेचुरल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके अंदर हम 3 मेथड्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहला पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक का मतलब, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था और आपने पढ़ा था कि ओव्यूलेशन कौन से डे होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब जिन फीमेल के अंदर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की चलती है, 28 और 29 डेज की, तो जिनके अंदर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उनके अंदर देखा गया है कि 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस टाइम पे फर्टाइल पीरियड माना जाता है। माना जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिलीज ऑफ ओवा, कि फीमेल के अंदर फर्टाइल कैपेसिटी
ज्यादा होती है क्योंकि इसी टाइम पे ओवा प्रोड्यूस करती है, तो यदि इस टाइम पे पीरियोडिक एब्सटिनेंस और रिदम मेथड, यदि क्वाइटस को, सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रिवेंट कराया जाए तो सीमेन ही नहीं पहुंचेगा, और यदि सीमेन नहीं पहुंचा तो देर इज नो कंसेप्शन। जनरली इन दिस मेथड की कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, किस पीरियड में, जब फीमेल मैक्सिमम फर्टिलिटी शो करती है ऑफ दी एमसी दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल 10-17 डे। लेकिन इसकी एफिकेसी रेट भी बहुत पुअर देखी गई है। क्यों देखी गई है? क्योंकि जनरली फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, कुछ फीमेल में 30 डेज की चलती है, कुछ में 35 डेज की चलती है, कुछ में 20 डेज की चलती है, तो उसके अंदर एग्जैक्ट फर्टाइल पीरियड को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो दिस मेथड इज सजेस्टेड ओनली टू दोज फीमेल हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट कम ओवर क्वाइटस इंटरप्ट। क्वाइटस इंटरप्ट की सेक्सुअल इंटरकोर्स को बीच में इंटरप्ट कर दिया जाए, मतलब मेल जेनिटेलिया को पहले ही विड्रॉ कर लिया जाए फीमेल जेनिटेलिया से, दैट इज बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, कि सीमेन डिस्चार्ज होने से पहले ही मेल जेनिटेलिया डिस्चार्ज आउट, तो इंसेमिनेशन ही नहीं हुई तो सीमेन डिपॉजिट नहीं हुए तो अगेन कंसेप्शन के चांस क्या हो गए, कम हो गए। लेकिन क्या देखा गया है, ये नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट, कि क्यों इसकी पुअर रेट है, जब हमने इजैकुलेशन ही नहीं होने दी, हमने सीमेन को डिपॉजिट ही नहीं होने दिया फीमेल जेनिटेलिया में, तो क्यों फिर भी कंसेप्शन होने के चांस होते हैं? तो ये देखा गया है कि सम स्पर्म लीकेज बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन होने से पहले ही बल्बोयूरेट्रल ग्लैंड की सिक्रीशन के साथ कुछ स्पर्म कहाँ पहुंच चुके होते हैं फीमेल जेनिटेलिया में, तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं कंसेप्शन का। तो नेक्स्ट, लैक्टेशनल एमेनुरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है लैक्टेशन, जब मदर अपने बच्चे को फीड कर रही होती है। एमेनुरिया का मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखा गया है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव या नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या देखा गया है कि जब फीमेल बहुत हैवी लैक्टेशन शो करती है आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक, तो उस केस में उसके ब्लड में किसका लेवल हाई होता है बच्चों, प्रोलैक्टिन का, विच इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जैसे जैसे प्रोलैक्टिन का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ता है, या हम कहें कि ड्यूरिंग लैक्टेशन उसके ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, तो जब एक हॉर्मोन का लेवल बढ़ता है तो वो किसी के ऊपर पॉजिटिव फीडबैक भी क्रिएट कर सकता है, नेगेटिव। लेकिन मोस्ट ऑफ केस में जब एक हॉर्मोन का लेवल बढ़ता है तो वो दूसरे के ऊपर क्या क्रिएट करता है, नेगेटिव फीडबैक। व्हाट डू मीन में नेगेटिव फीडबैक, कि अदर हॉर्मोन के लेवल को घटाता है। तो दिस प्रोलैक्टिन बिहेव एज नेगेटिव फीडबैक ओवर हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो फर्दर ब्लड के अंदर किसका लेवल घटता जाता है बच्चों, FSH एंड LH का। इफ द लेवल ऑफ FSH एंड LH रिड्यूस इन फीमेल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ओव्यूलेट ही नहीं करेगी फीमेल। तो इफ देयर इज नो ओव्यूलेशन, हेंस नो कंसेप्शन। तो ये सबसे कॉमन मेथड है नेचुरल मेथड में, इसकी एफिकेसी रेट 60% देखी गई है। अगेन यदि थोड़ा बहुत भी प्रोलैक्टिन का लेवल फ्लक्चुएट करेगा तो फिर से फीमेल के अंदर ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जो इसकी फेलियर को बढ़ा देती है। तो ये 3 मेथड थे नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कम ओवर IUD, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आर्टिफिशियली इंसर्ट कर दी जाती हैं कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, ताकि इम्प्लांटेशन ना हो, या अदर मीन से भी ये कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करती हैं। दिस इज द मोस्ट प्रिवेलेंट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय इंडियन फीमेल, मतलब इंडिया के अंदर यदि हम कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है, IUD। इसकी एफिकेसी रेट यदि हम बात करें तो 99.9%, 0.1% फेलियर रेट हम कह सकते हैं। लेकिन आजकल और भी एडवांस IUD आ चुकी है जिसकी 100% एफिकेसी रेट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको क्यों फ्रीक्वेंटली इतना यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, सम इवन वर्क अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक भी ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करने की टेंडेंसी रखती है। तो नेक्स्ट कम ओवर IUD को मेजर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड IUD। जो नॉन मेडिकेटेड IUD है इसको फर्स्ट जनरेशन IUD कहते हैं, कि पुराने टाइम पे जो सबसे कॉमनली IUD यूज होता था फर्स्ट जनरेशन IUD, उसको कहा गया नॉन मेडिकेटेड IUD, जिसके अंदर किसी भी तरह की मेटल और हॉर्मोनल रिलीजिंग टेंडेंसी नहीं थी। थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको कैसा। सपोज ये यूट्रस है, ये यूट्रस है बच्चों,
और इस यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस की इनर मोस्ट सिटी वॉल, बिल्कुल सिंपली बता रही हूँ मैं, और इसके अंदर सिंपल प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट कर दिया. सिंपल प्लास्टिक ट्यूब इज इंसर्टेड, प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टेड इन यूट्रस. ये किससे बिलोंग करती है? आपकी नॉन मेडिकेटेड आईओडी से, जिसको क्या नाम दिया गया? लिप्स लूप. दिस प्लास्टिक ट्यूब हेयर इज सेड टू बी लिप्स लूप. क्या करती है ये लिप्स लूप यहाँ पे? तो ये एक तो सर्विकल म्यूकोसा की सिक्रीशन को बढ़ा देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा म्यूकोसा रिलीज होगा सर्विक्स क्या हो जाएगा? क्लॉग, जाम हो गया. तो इवन आफ्टर इंसेमिनेशन इसने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया, तो स्पर्म की एंट्री यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा. दूसरा, मेक यूट्रस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन. क्या करता है ये? आपने पढ़ा था यूट्रस की जो इनर मोस्ट वॉल है एंडोमेट्रियम, जितनी थिक होगी उतना ही बेटर इम्प्लांटेशन माना जाता है. तो ये यूट्रस की वॉल को क्या करती है? वीक करती है. इट मेक यूट्रस वॉल वीक, मेक यूट्रस वॉल वीक, ताकि किसी भी तरह की इम्प्लांटेशन ना हो. एक तो स्पर्म की एंट्री को ही ब्लॉक कर दिया और दूसरा यूट्रस की वॉल को वीक कर दिया. दूसरा आ जाते हैं मेडिकेटेड आईओडी. इसकी एफिकेसी रेट थोड़ी सी कम कह सकते हैं, इसीलिए और एडवांस आईओडी आ चुकी हैं जिसको फीमेल कॉमनली यूज़ करती हैं. इसको हम टू कैटेगरी, वैसे मेजर आजकल थ्री कैटेगरी आप पढ़ेंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेजर टू कैटेगरी दी है. कॉपर मेटल रिलीजिंग आईओडी, और जिसको आप मेटल रिलीजिंग आईओडी कह सकते हैं, और दूसरा हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी. नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, जो मेटल रिलीज करते हैं उसको मेटल आईओडी में डालते हैं, जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं हॉर्मोनल रिलीजिंग आईओडी में डालते हैं. लेकिन आजकल और एडवांस आ चुकी है मिरेना, विच इज जर्मनी मेड एंड फंक्शनल अप टू 12 ईयर्स. ये है हॉर्मोनल कम मेटल आईओडी, एक ऐसा आईओडी जो हॉर्मोन भी रिलीज कर रहा है मेटल भी रिलीज कर रहा है. तो फर्स्ट जनरेशन आईओडी में हमने किसको रखा बच्चों? लिप्स लूप को. कॉपर रिलीजिंग और मेटल आईओडी को हम किस जनरेशन में रखते हैं? सेकेंड जनरेशन. क्या होता है ये कॉपर रिलीजिंग? तो नाम आप लोगों ने सुने भी होंगे, लोअर क्लास टेंथ में भी आप पढ़ के आए हैं, कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टी लोड 375. क्या है ये कॉपर टी सेवन? क्या है? तो एक्चुअल में ये टी शेप वायर होती है, टी शेप लूप होती है वायर की, जिसके ऊपर इसकी कोटिंग होती है कॉपर वायर की, इस तरह से रैपिंग होती है कॉपर वायर की. समझ गया? अब इसकी शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है? टी शेप. तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉपर टी. यदि इसकी शेप ऐसी हो सेवन, और इसके ऊपर किसकी कोटिंग हो, किसकी रैपिंग हो? कॉपर वायर की. नाउ इट इज सेड टू बी कॉपर सेवन. तो जितनी ज्यादा इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग होती है उतनी इसको फंक्शनल माना गया है. तो ये यूट्रस है, ये यहाँ पे यूट्रस है, इसके अंदर इसको क्या कर दिया गया? इंसर्ट कर दिया गया. तो दिस इज कॉपर टी. हेयर जो लूप है वो सेवन अल्फा सेवन न्यूमरल से रिजेंबल करता है, तो इसको हमने क्या कह दिया? कॉपर सेवन. क्या करते हैं ये आईओडी यहाँ पे? तो ये यूट्रस के अंदर आप ध्यान से देखें, ये टी शेप वायर लूप है जिसके ऊपर किसकी रैपिंग है बच्चों? कॉपर वायर की, रैप्ड विथ कॉपर वायर. दी स्लोली डिफ्यूज हेयर कॉपर आयन. जो यूट्रस के अंदर स्लोली डिफ्यूज क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे क्या रिलीज कर रहे हैं? कॉपर आयन. सपोज यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हुई, तो ये कॉपर आयन स्पर्म से अटैच हो जाएंगे. तो अब स्पर्म क्या हो गया? हैवी हो गया. तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस. और वो फर्टिलाइजेशन साइट पे टाइम रहते नहीं पहुंच पाएगा, या जब तक पहुंचेगा तो उसकी वाइब्रिटी, फर्टिलाइजिंग टेंडेंसी क्या हो चुकी होगी? लॉस्ट हो चुकी होगी. तो कॉपर वायर इम्प्लांटेड इन यूट्रस रिलीज कॉपर आयन. शेप के बेस पे हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टी लोड 375, और बहुत सारे मल्टी लोड 180 है, मल्टी लोड 240 है. तो जितनी ज़्यादा उसके ऊपर कॉपर की लोड होगी उतना ही वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, उतनी ही उसकी एफिकेसी होगी. रिड्यूस पम्प मोबिलिटी, क्योंकि इस पम्प से अटैच हो जाती है कॉपर आयन. इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. कई बार ये देखा गया है कि यूट्रस के अंदर जितना कॉपर आयन होता है उतनी ही सर्विकल सेल्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है किसको खाने की? स्पर्म को खाने की, स्पर्म को ईट करने की. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर आयन ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है, तो रिड्यूस कर रहा है स्पर्म की मोबिलिटी को, और दूसरा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ा रहा है. सेकेंड कम ओवर हॉर्मोन रिलीजिंग आईओडी. नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि हॉर्मोन रिलीज करते हैं, तो कैसे ये वर्क करते होंगे कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ? तो इसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, LNG-20 एंड प्रोजेस्टास्योर. LNG का फुल फॉर्म है यहाँ पे लिवो नो गैस्ट्रॉल.
लिवोनोगेस्ट्रोल एक ऐसा हार्मोन है, या हम कह सकते हैं हार्मोनल डेरिवेटिव्स है, जो धीरे धीरे डिफ्यूज होता जाता है यूट्रस के अंदर और यूट्रस की वॉल को वीक करता जाता है, वीक करता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो सके। तो LNG20 एंड प्रोजेस्टा शर्ट क्या है यहाँ पे, देर आर डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टिन। जैसे जैसे प्रोजेस्टिन रिलीज होगा, दिस बिहेव एज नेगेटिव फीडबैक ओवर अगेन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, विच फर्दर रिलीज द लेवल ऑफ डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH एंड LH। और जब FSH और LH का लेवल घटेगा तो ओवुलेशन क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। सेकेंड, अगेन एक्टिवेट सर्विकल मिकोसा, सर्विक्स को क्लॉक करता है एंड मेक यूट्रस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन वाया वीकनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग। नेक्स्ट जो सबसे कॉमनली आजकल यूज हो रहा है निवेना, इसको सेकेंड जनरेशन कहा गया हार्मोन रिलीजिंग को, थर्ड जनरेशन आयोडी, इसको थर्ड जनरेशन आयोडी का नाम दिया गया। और इट ऑल्सो बिलोंग टू थर्ड जनरेशन आयोडी मिरेना, विच इज जर्मनी मेड आयोडी, जिसकी एफिकेसी रेट लगभग 100% देखी गई है। और क्यों देखी गई है, क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज करता है, मेटल भी रिलीज करता है। तो इट रिलीज गेस्ट्रोजन हार्मोन विच बिहेव एज स्पर्मीसाइडल, स्पर्म का मतलब, स्पर्म साइडल का मतलब किलिंग, जो स्पर्म को किल कर देते हैं और स्पर्म की मोबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। तो ये ड्यूअल वे में वर्क करते हैं और पूरी तरह से स्पर्म को क्या करा देते हैं, उसकी वाइब्रिटी को लॉस करा देते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को लॉस करा देते हैं। तो देर इज नो कंसेप्शन। नेक्स्ट कम ओवर मैरिट एंड डीमेरिट। तो मैरिट तो आपको नजर आ ही गया होगा कि एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, दूसरा इसकी एफिकेसी रेट क्या है, बहुत हाई है, तीसरा ये चीपर भी है और कोई ज्यादा से इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते फीमेल के अंदर। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ आयोडीन, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि आयोडीन इज अ गुड मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन डीमेरिट क्या है, एक तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लांट आयोडीन, यदि ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए ही चाहिए इसको इम्प्लांट करने के लिए। यदि अनट्रेंड प्रोफेशनल से इसको इम्प्लांट किया जाए, सपोज एक ही जगह पे बार बार कॉपर की वायर पायर्स हो रही है, तो समटाइम इट डैमेज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटेराइन कैंसर। मतलब प्रॉपरली यदि इसको इंसर्ट ना किया जाए तो यूटेराइन कैंसर को लीड कर सकता है। दूसरा, कई बार फीमेल में देखा गया है कि इवन आफ्टर इम्प्लांटिंग आयोडी बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो इट इवन लीड टू सीवियर एनीमिया। तो कुछ डीमेरिट है, लेकिन ओवरऑल आयोडी इज गुड मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ओवर केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसके अंदर हम टू मीन्स पढ़ेंगे, स्पर्मीसाइडल क्रीम, लेकिन मेजर हमारा फोकस किस पे रहेगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे। तो स्पर्मीसाइडल क्रीम्स क्या होती हैं, कुछ फॉर्मुलेशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जेल, पाउडर और क्रीम, जिसके अंदर कुछ ऐसे सॉल्ट्स या कुछ ऐसे एजेंट यूज किए जाते हैं जो वजाइना का पीएच क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, अल्टीमेट किल द स्पर्म, डिपॉजिटिंग स्पर्म को किल कर देते हैं आफ्टर इंसेमिनेशन। लेकिन लंबे टाइम तक यदि इस क्रीम को यूज किया जाता है तो समटाइम इट क्रिएट ड्राइनेस इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और फीमेल जेनिटेलिया, और डिस्टर्ब द एसेसरी ग्लैंड इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट लाइक ग्लैंड ऑफ स्पिनी। एफिकेसी रेट बहुत पुअर है, इसीलिए कभी भी इसको इंडिविजुअली यूज नहीं किया जाता एज अ मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दिस इज यूज अलॉन्ग विद वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टू इंक्रीज देयर एफिकेसी रेट। लेकिन आजकल जो मैंने आपको RCH प्रोग्राम में बताया था, तो CDRI ने एक नेचुरल मेथड यूज किया, नेचुरल डेरिवेटिव्स रीठा बेस्ड स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशन बनाई है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट कम ओवर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्पॉर्टेंट है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये बेस्ड होता है, या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ओवर टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल, फीमेल के अंदर ओवा प्रोडक्शन होने नहीं देते, ओरली इंटेक किया जाता है इनको। तो अब यदि ओवा प्रोडक्शन ही नहीं होने दे रहे, तो हम इसको एक तरह से कह सकते हैं दीज आर यूज एज एंटी ओव्यूलेटरी पिल्स होते हैं, कि फीमेल यदि इनको इंटेक करती है तो उनके अंदर ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसके अंदर हम दो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे, दो टाइप के पिल्स पढ़ेंगे, कंबाइंड पिल्स एंड मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मोर देन वन हॉर्मोन्स कंबाइंड फॉर्म में हो, मिनी पिल्स जिसमें एक सिंगल हॉर्मोन कॉम्बिनेशन के साथ हो या उसका डेरिवेटिव हो। तो कंबाइंड पिल्स और 21 डे पिल्स, इसका एग्जांपल है मालाडी एंड मालायन। व्हाई इट इज सेड टू बी 21 डे पिल्स, थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं आपको कि किस वे में ली जाती है या क्या क्यों कहा गया इसको 21 डे पिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कितने डेज की चलती है बच्चों, 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो पूरी की पूरी किट होती है मालाडी की,
इसके अंदर कितने टैबलेट्स होते हैं? 28 टैबलेट्स होते हैं विद गिवन डेट कंसेंट्रेशन कि किस दिन कौन सी टैबलेट लेनी है और किसके अंदर कितना हार्मोन का कंसेंट्रेशन है, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है मालाडी का, ये किसके अराउंड घूमता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड। तो 21 डेज इसको पिल क्यों कहा? कि ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज स्टार्टिंग 1 to 7 डेज उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम तक हॉर्मोन्स का लेवल लगभग क्या होता है? बेस पे होता है। तो ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज उस टाइम पे इसके अंदर 21 डेज तो चलती हैं पिल्स और 7 डेज का चलता है इसमें आयरन। ऐसा नहीं है कि 21 डेज का पैकअप होता है, इसके अंदर टोटल कितनी टैबलेट्स होती हैं? 28 डेज विद गिवन डेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन। और ये बिल्कुल जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसी के अकॉर्डिंग ये टैबलेट फॉर्मुलेशन गायनी सजेस्ट करती हैं। तो 21 डेज जो पिल चलती हैं जिसके अंदर हॉर्मोनल कॉम्बिनेशन चलता है और 7 डेज क्या चलता है? आयरन, आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ड्यूरिंग फर्स्ट यदि हम 1 से 7 दिन तक कहें तो 1 to 7 डेज पिल्स क्या होती हैं? हॉर्मोनल पिल्स तो स्टॉप होती हैं, लेकिन क्या सप्लीमेंट दिया जाता है फीमेल को? आयरन सप्लीमेंट। और नेक्स्ट 7 दिन के बाद 8th डे से 28th डे तक 29th डे तक क्या दिया जाता है? हॉर्मोनल कॉम्बिनेशन। ये तो था मोड ऑफ इंटेक की बात। हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो किसको प्रिवेंट करती है? ओवुलेशन को, क्योंकि ये क्या क्रिएट करती है? नेगेटिव फीडबैक। लेकिन आजकल मालाडी को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि दिस इज रिच इन एस्ट्रोजन हॉर्मोन और जो एस्ट्रोजन है इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो अब अगेन बात आई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उसके नील साइड इफेक्ट होने चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो यदि ये इतना ज़्यादा लीथल है या इतना फेटल हो सकता है फीमेल के लिए, तो किसी अदर एडवांस कॉन्ट्रासेप्टिव की रिक्वायरमेंट हुई। तो न्यू एक कॉन्ट्रासेप्टिव मार्केट में आया जिसको किस नाम से जाना जाता है? मिनी पिल्स और वन डे पिल्स। एक तो फीमेल आप देख रहे हैं कि 21 डेज इस पिल को ले रही है, बीच में एक दिन भी स्किप हो गया तो पूरा साइकिल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही टीडियस था, एक बहुत हाई अमाउंट में क्या हार्मोन एंट्री हो रही थी फीमेल बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस को भी लीड कर रही थी। तो CDRI लखनऊ ने, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की, किस नाम से? सहेली के नाम से। ये क्यों बेटर मानी गई? एक तो इसमें डायरेक्ट हॉर्मोन्स को यूज़ नहीं किया गया, इसमें क्या यूज़ किया गया? डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, डेरिवेटिव्स यूज़ किए गए हॉर्मोन्स के। और एस्ट्रोजन तो इसमें क्या था? एब्सेंट ही था। तो इसको सिंगल पिल भी कह सकते हैं, सिंगल हॉर्मोन पिल्स कह सकते हैं, कि एक तो इसमें हॉर्मोन यूज़ नहीं हो रहा, डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, तो इसके साइड इफेक्ट भी क्या होंगे? लो। एक ये वन डे पिल है कि एक वीक में वन पिल इन वन वीक, तो इसको याद रखना भी क्या था फीमेल के लिए? इजी था, क्योंकि 21 डेज में एक डे भी स्किप हो रहा है, टाइमिंग स्किप हो रही है, कंसंट्रेशन स्किप हो रही है, तो पूरा फेलियर था इसका, फेलियर रिस्क फैक्टर, एफिकेसी रेट इसकी क्या थी? पुअर थी। लेकिन सहेली के अंदर डेरिवेटिव्स यूज होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन के, लाइक सॉल्ट कैंटाक्रोमिन। ये कैंटाक्रोमिन अगेन बिहेव एज ए नेगेटिव फीडबैक ओवर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एंड प्रिवेंट ओवुलेशन। तो ये ओवुलेशन को, तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, वट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड पिल एंड मिनी पिल? कंबाइंड पिल में मोर देन वन हॉर्मोन यूज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। मिनी पिल में सिंगल हॉर्मोन यूज होता है या हॉर्मोन का डेरिवेटिव यूज होता है, लाइक कैंटाक्रोमिन सॉल्ट्स। और इसके अंदर ये कितने दिन लिया जाता है? 21 डेज। हालांकि 21 डेज का किट नहीं होता, किट कितने दिन की होती है? ये किट होती है 28 डेज की। 7 डेज स्टार्टिंग के क्या दिया जाता है? आयरन सप्लीमेंट। और 21 डेज तक क्या दिए जाते हैं? पिल्स दिए जाते हैं, हॉर्मोनल पिल्स। इसको मिनी पिल्स और वन डे पिल क्यों कहा गया? क्योंकि एक हफ्ते में एक ही पिल लेना होता है, एंड दैट इज हैविंग डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कम ओवर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या होते हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं या इंसेमिनेशन को ही प्रिवेंट करते हैं। तो ये जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है इसको सबसे गुड कॉन्ट्रासेप्टिव माना गया है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही चीपर है। समटाइम कुछ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव रिवर्सिबल भी हैं, मल्टी यूज भी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये STD को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। तो देर आर सो मेनी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर बोथ फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल।
तो फॉर एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा कमली यूज निरोध, जो इंडियन गवर्नमेंट सप्लाई करती है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉन्डोम। दीज आर लेटेक्स शीट मेड ऑफ रबर जो कवर करती है मेल जेनिटिलिया को बिफोर कॉपुलेशन। तो जब ऑलरेडी लेटेक्स शीट कवर कर देती है एक्सटर्नल जेनिटिलिया को तो देर इज नो इंसेमिनेशन। तो कॉन्डोम किस चीज को प्रिवेंट करते हैं? इट प्रिवेंट इंसेमिनेशन। नेक्स्ट, ऐसे ही कुछ कॉन्डोम्स डिजाइन किए गए हैं फीमेल के लिए, दैट इज कॉमनली सेड टू बी फेमिडोम। दीज आर फीमेल कॉन्डोम विच आर मेड अप ऑफ बायोप्लास्टिक और स्किन फ्रेंडली प्लास्टिक, जिसको क्या कहा जाता है? पॉलीयूरेथेन। तो इसमें पूछा भी जाता है कि ये किसके बने होते हैं? पॉलीयूरेथेन की बने होते हैं, जो कहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है? वेजाइना में, जो सीमेन को एंट्री एंटर ही नहीं होने देता यूट्रस की तरफ या फर्टिलाइजेशन साइट की तरफ। तो फेमिडोम का हेयर क्या रोल है? ये एंट्री को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, अदर बैरियर्स मेथड्स लाइक स्पेशली डिजाइन फॉर फीमेल, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट। ये क्या होते हैं बच्चों? कि हर एक जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होती हैं, जो डॉक्टर्स होती हैं, वो सर्विक्स की साइज के अकॉर्डिंग वॉल्ट एंड डायफ्राम डिजाइन करती हैं, और ये रिवर्सिबल होती है, मल्टी यूज होते हैं, बार बार इनको यूज किया जा सकता है। ये जो वॉल्ट होते हैं डोम शेप होते हैं, कैप शेप होते हैं, इनको इंसर्ट कर दिया जाता है कहाँ पे? सर्विक्स में, बिफोर कॉपुलेशन, बिफोर क्वाइटस। लेकिन इसका एक डीमेरिट कह सकते हैं कि एक आफ्टर कॉपुलेशन इसको 6 आवर्स तक, 6 to 7 आवर्स तक कहाँ पे इंसर्टेड छोड़ा जाता है? सर्विक्स के अंदर ही। यदि इसको इमिजिएटली निकाल दिया जाए तो सीमेन और स्पर्म लीक होके कहाँ पहुँच जाएंगे? यूट्रस के अंदर। लेकिन यदि बहुत लंबे टाइम तक इसको सर्विक्स में छोड़ दिया जाए, 10 से 12 घंटे, तो इट इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्या होते हैं ये? तो दीज आर कैप और डोम शेप स्ट्रक्चर विच आर फिक्स्ड ओवर सर्विक्स टू अवॉइड एंट्री ऑफ सीमेन। इट मस्ट रिमेन इंसर्टेड इन फीमेल जेनिटिलिया और फीमेल सर्विक्स अप टू 6 आवर, ताकि किसी भी तरह की लीकेज ना हो। इसी इन सभी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एफिकेसी बढ़ाने के लिए इनके साथ किसको यूज़ किया जाता है? इनके साथ यूज़ किया जाता है स्पर्मिसाइडल क्रीम को, कि यदि कभी ये लीक हो जाते हैं या कुछ स्पर्म लीक होके पहुंच जाए तो उनको कौन किल कर दे? स्पर्मिसाइडल क्रीम, टू इंक्रीज देयर एफिकेसी रेट। नेक्स्ट कम ओवर सब क्यूटीनियस और हॉर्मोनल इम्प्लांट। इम्प्लांट, सब क्यूटीनियस का मतलब क्या होता है? सब का मतलब नीचे, क्यूटीनियस का मतलब स्किन, बिलो द स्किन। सबक्यूटेनियस का मतलब बिलो द स्किन, बिलो द स्किन। क्या होते हैं ये नॉर प्लांट्स और हॉर्मोनल इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस इम्प्लांट? इतने छोटे छोटे कुछ प्लास्टिक्स की ट्यूब्स होती हैं, 6 needle-shaped ट्यूब्स होती हैं, विच आर सेड टू बी मिनी प्लास्टिक ट्यूब, 6 in number। इनको माइनर सर्जरी के थ्रू या तो आर्म रीजन में अंडर एल्बो जॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं नियर एल्बो जॉइंट सॉरी, या फिर अंडर आर्म रीजन में इनको इम्प्लांट किया जाता है। माइनर सर्जरी करके इन नीडल्स को इम्प्लांट कर दिया जाता है, और इनकी एफिकेसी भी कब तक या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है? 5 से 6 साल तक ये फंक्शनल रहता है। बहुत ही माइनर अमाउंट में ये फीमेल के ब्लड में प्रोजेस्टीन रिलीज करता है, विच बिहेव एज नेगेटिव फीडबैक अगेन ओवर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी टू प्रिवेंट ओवुलेशन। तो ये फीमेल में ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, और बहुत लो डोज निकल रही है हॉर्मोन्स की, डेरिवेटिव्स की, बहुत माइनर डोज जा रही है फीमेल में, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो माइनर सर्जरी के थ्रू दीज प्लास्टिक ट्यूब्स इंसर्टेड इन अंडर आर्म रीजन और नियर एल्बो जॉइंट्स, इम्प्लांटेड इन अंडर आर्म रीजन। और इनका मेन काम क्या है? कि प्रिफरेबल क्यों है? क्योंकि तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा इसकी एफिकेसी रेट भी 100% के अराउंड देखी गई है, 99.9%, और लॉन्ग लास्टिंग है, 5 to 6 ईयर तक ये क्या रहता है? फंक्शनल रहता है। नेक्स्ट कम ओवर डिप्रोप्रोवेरा इंजेक्शन। क्या होते हैं ये? इसके अंदर क्या यूज होता है और क्यों इसको आजकल कॉमनली यूज कर रही है फीमेल? तो दीज इंजेक्शन जो इंट्रावेनसली इंजेक्ट किए जाते हैं, हैविंग वेरियस डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन लाइक मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रेन, बहुत सारे डेरिवेटिव्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, माइनर कॉम्बिनेशन होते हैं, डोज वेरी करते रहते हैं। तो ये इंजेक्शन इंट्रावेनसली दिए जाते हैं फीमेल के अंदर, और ये कंसेप्शन को कितने मंथ तक प्रिवेंट कराती है? 3 मंथ तक। तो 1 injection प्रिवेंट कंसेप्शन अप टू 3 मंथ। तो इसीलिए फीमेल इसको आजकल प्रिफर कर रही है एज ए मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एफिकेसी रेट अगेन 99.9%। नेक्स्ट है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। अब तक आपने बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ लिए, बैरियर पढ़ लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ लिए। सपोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में
फीमेल कंबाइंड पीस को फॉलो कर रही है, लेकिन यदि वो बीच में एक दो पीस को स्किप कर देती है तो इट इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ कंसेप्शन। तो उस केस में, या हम कहें कि ड्यूरिंग बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉपुलेशन के टाइम पे यदि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो देर इज लीकेज ऑफ सीमेन इन फीमेल जेनिटेलिया। तो उस केस में, इमरजेंसी कंडीशन में, कि जब फेलियर हो चुकी है अदर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की, तो उस केस में कौन सी पिल्स सजेस्ट की जाती है? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। व्हाई इट इज सेड टू बी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स? क्योंकि ये विद इन अ 24 आवर्स लिया जाता है, हालांकि अप टू 72 आवर्स हम कह सकते हैं कि 3 दिन के अंदर इसको लिया जाता है, लेकिन मॉर्निंग आफ्टर पिल्स क्यों कहा? क्योंकि इसकी ज़्यादा फंक्शनैलिटी विद इन 24 आवर्स देखा गया है, कि यदि कोई भी फेलियर हो जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की और चांस बढ़ गया कंसेप्शन का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इमीडिएट प्रिवेंशन के लिए जो पिल्स दी जाती हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ अनवॉन्टेड 72 आई पिल्स और पिल 72। इसके अंदर हाई डोज होते हैं ऑस्ट्रोजन के, प्रोजेस्ट्रॉन के एंड प्रोस्टाग्लैंडिंस के, जो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराती है यूट्रस में। तो इट इज़ अ नॉट अ मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ध्यान रहे ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, इट इज़ अ नॉट अ मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट जस्ट यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। Like bursting of barrier contraceptives, during ejaculation, or in case of rape victim, कोई rape victim है, deliberate रेप हुआ है और चांस है प्रेगनेंसी का, तो उस केस में ही ये सजेस्ट की जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई डोज होता है हॉर्मोन्स का, और यदि इसको रेगुलरली यूज़ किया जाए तो बहुत ही फीमेल के अंदर हॉर्मोनल इंबैलेंस को लीड कराती है, ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग को लीड कराती है। व्हाट डू मीन बाय ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग? आपने मेंस्ट्रुअल पढ़ा कि ब्लीडिंग 1 to 5 days, अर्ली 5 days में होती है, लेकिन बीच में ही कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। इट लीड टू इवन सीवियर हॉर्मोनल इंबैलेंस, सीवियर वॉमिटिंग, नोजिया, या हम कह सकते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, एनीमिया को भी लीड करता है। तो इट इज़ यूज ओनली इन एमरजेंसी कंडीशन और सप्रेस ओव्यूलेशन। क्या करती है ये? ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करा देती है, कि यदि रेप भी हुआ है या फेलियर हो गई किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की, ओवा को रिलीज ही नहीं होने देता, या फिर हॉस्टाइल कंडीशन क्रिएट कर देता है यूट्रस में, ताकि इम्प्लांटेशन ना हो। तो ये थे हमारे टेम्प्ररी मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमानेंट मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। थैंक यू।